गाइज वेलकम टू माई चैनल नौशीन खान कैसे हैं आप आपसे उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे सेफ होंगे अपने 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 गाइज आज मैं आप सबके साथ शेयर शेयर कर रही हूँ इसका एंड वाई बेबी बी क्रीम का सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने लाइव किया हुआ है तो अगर आपने नहीं देखा है तो चेक कर लीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये सेकंड पार्ट है जो बचे हुए शेड है मैं इसमें बताऊंगी आपको तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट शेड है वो है डीप स्किन प्लस येलो अंडर के लिए अगर आपकी भी डीप स्किन है और आपका अंडर टोन येलो है देन आपको जो शेड लेना है वो है ब्राउन शुगर ज़ीरो ये जो शेड है ना ये डीप स्किन प्लस येलो अंडर के लिए अगर आप इससे एक टोन कम में भी आते हो तब भी आप ये शेड ट्राई आउट कर सकते हो बहुत अच्छा शेड है अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वो वीडियो भी चेक कर लीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात कर लेते so हमारा जो अगला शेड है वो है लाइट स्किन प्लस पिंक अंडर टोन के लिए अगर आपकी भी लाइट स्किन टोन है और आपका अंडर टोन पिंक है जो शेड लेना है वो है व्हाइट क्रीम जीरो व्हाइट क्रीम जीरो टू ये जो शेड है ये लाइट प्लस पिंक अंडर टोन के लिए आई होप आपको समझ में आ गई होगी तो चलिए भी हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात कर लेते हैं हमारा जो लास्ट शेड है इस शेड रेंज का वो है मीडियम डार्क प्लस न्यूट्रल अंडर टोन के लिए अगर आपकी भी मीडियम डार्क स्किन टोन है और आपका अंडर टोन न्यूट्रल है देन आपको जो शेड लेना है वो है कोकोनट मिल्क कोकोनट मिल्क जो शेड है वो है मीडियम डार्क स्किन टोन प्लस न्यूट्रल एंड टोन तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी क्लियर हो गया होगा सब कुछ और बाकी की जो शेड है ना वो फर्स्ट पार्ट में है तो जाकर के उसे भी अब देख लीजिए ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है अपने शेड रेंज को लेकर वो क्लियर हो जाए तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक अपना ख्याल रखिएगा बाय